हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फेस मास्क बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके लिए मैं दो कपड़ा ले लिया। कपड़े का चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई में है 6 इंच। देखिए देखिए, दो कपड़ा है। अभी इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे, एक फिर और एक दूसरा फोल्ड करेंगे। अभी इसको मैं पिन से लॉक कर रही हूँ, क्योंकि ये मार्किंग करने के टाइम कपड़ा ना हिले इसलिए। और देखिए, फोल्डेड साइड से मैं 1 इंच पे एक मार्क करूँगी, और जो खुला साइड है वो साइड से मैं 1 इंच पे और एक मार्क करूँगी। देखिए, फिर इसको ऐसे शेप दे देना है, फिर इधर गोलाई में एक शेप देना है। देखिए, ऐसे मैं शेप दे दिया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, मैं इसको कटिंग कर लिया। देखिए देखिए, ये दो पार्ट निकल गया। अभी इसको इसको देखिए फोल्ड करके ऐसे बीच में से इसका कटिंग करना है। दोनों कपड़े को हम लोग ऐसे सेम कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं कटिंग कर लिया। देखिए, अभी स्टिचिंग के लिए हम लोग ये जो कपड़ा है उसका हम लोग दूसरे साइड पे, मतलब उल्टा साइड पे इसको ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, दोनों कपड़े का मैं उल्टा साइड करके स्टिचिंग लगा लिया। देखिए, अभी इस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कट लगा देंगे। कपड़ा खड़ा खड़ा ना रहे इसलिए मैं छोटा छोटा कट लगा रही हूँ। दोनों कपड़े पे लगाना है। देखिए, अभी इसके ऊपर से हम लोग एक फिनिशिंग का सिलाई लगा देंगे। देखिए, अभी अभी इसको हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट को रख के फिर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी मैं छोटा छोटा थोड़ा कट लगा लूँगी। अभी इसको बाहर की तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे, बाहर की तरफ इसको निकाल लेंगे। देखिए देखिए, मैं निकाल लिया। देखिए, हम लोग का मास्क ऑलरेडी रेडी हो गया। अभी इसका जो रबर है वो लगा लेंगे। इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके प्रेस से थोड़ा उसको अच्छे से दबा देंगे। देखिए, मैं रबर भी कटिंग कर लिया, 6 इंच का है। सेम ऐसे और एक रबर को भी कटिंग कर लूँगी।
अभी उसको ऐसे ही हम लोग उसको स्टिच लगा देंगे। अंदर की तरफ करके उसको स्टिच लगा देंगे। ये पूरा चारों साइड पे हम लोग उस पे एक बार सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग का। देखिए मास्क हमारा रेडी हो गया। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।